भाई हम नए नए आए थे और तीन लोग थे जिन्होंने हमें बेवकूफ बनाया था, अप्रोच किया था बेवकूफ बनाने के लिए, अप्रोच किया था बेवकूफ बनाने के लिए, और उन्होंने हमसे कहा था कि इस शो के बाद तुम दोनों पता नहीं दुबई और कितने सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में जाने वाले हो, तुम लोग घूमोगे, टूर्स होंगे, हमने ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए थे और उसके लिए हमने कपड़े वपड़े चीजें बहुत तैयारी की थी, सब कुछ हुआ था और एट दी एंड ये हुआ कि हम तैयार व्यार होके गए शो के लिए और वहाँ लड़ाई हो गई। ओ माय गॉड। वो क्या कहते हैं, घमसान करण पड़ गया। जी एग्जैक्टली। अच्छा रियलिटी शो था वो भी, सिंगिंग सिंगिंग कंपटीशन था। अच्छा मैं होस्ट था, मतलब फीमेल होस्ट थी। और जैन तो चले जस्टिस था कि वो होस्ट था, मुझे जा तो दूर-दूर तक सिंगिंग से ताल्लुक नहीं। वो आई कैंडी वाला चक्कर था ना, खूबसूरत 12 साल पहले सोचे आप एकदम। ओए अभी भी तलवार मार का। तो 12 साल पहले पता है लाहौर में जो सबसे महंगी डोर मिलती है ना पतंग उड़ाने के लिए, उसका नाम होता है तलवार मार का। तलवार मार का। हाँ। आपकी इस बात पे एक लाइन पता क्या याद आई, क्योंकि आपने इनको बोला तलवार मार का और फिर आपने डोर का डोर की वो बात की तो मुझे एक लाइन याद आई जिसमें आपने शेर सुनाया, मैं लाइन डेडिकेट कर देता हूँ। जी जी इरशाद। मांझा तेरा हाथ दिल की पतंग को काटे, हाय है मांझा तेरा हाथ ये दिल की पतंग को काटे, हाय तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके, हाय है मांझा। वाह वाह। तो आपके शेर बहुत आला आपने गा लिया, माशाल्लाह कोशिश कर रही, ओरिजिनल गुलकार का भी ऐसा नहीं। अरे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बात हमारी, उसमें तो म्यूजिक का ठेका था ना, इसमें तो बगैर ठेके गाया आपने। अरे हम ठेके से गाते हैं। गाओ तो ठेके से गाओ, गाओ तो फिर यूं ही गाओ। सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट, आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।